कोरोना महामारी के खिलाफ चल रहे महायुद्ध के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी कड़ी में मंडी जिला के पंडोह कस्बे में स्थित पीएचसी में सदर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी चंपा ठाकुर ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। उन्होंने पीएचसी पंडोह को एक थर्मल स्कैनर भी भेंट किया। इस अवसर पर चंपा ठाकुर ने कहा कि वे संकट की इस घड़ी में सदर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि पूरे सदर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद पीएचसी व सिविल अस्पतालों में वे अपनी ओर से इसी प्रकार के एक एक थर्मल स्कैनर भेंट करेंगी। साथ ही जागरूकता शिविर लगाकर इस महामारी को लेकर सदर कांग्रेस की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमने एक अभियान शुरू किया हुआ है। आज इस अभियान के तहत हम पंडोह में भी लोगों को अवेयर करने के लिए आए हुए हैं। तो आज सबसे पहले हमने पंडोह पीएससी के जितना भी हमारे कोरोना योद्धा के रूप में यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, इनको हमने सम्मानित किया। और जितने भी यहाँ मरीज और लोग आए हुए थे, इनको हमने मास्क पहनाए और सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। और जैसे पंडोह बाज़ार में, दलित बस्तियों में, गांव में, इस तरह से हमने हर पंचायत में जो है एक अभियान रखा हुआ है। और सदर हलके की जितनी भी पीएससी या सिविल हॉस्पिटल है, हमने थर्मल स्कैनर जो है मैंने डोनेट किए। तो मैंने देखा कि आज कोरोना महामारी एक भयानक रूप ले रही है, क्यों ना हम लोगों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएं और लोगों को जागरूक करें कि गांव-गांव हम जाएं, लोगों को जगाएं कि इस महामारी से जो है हमारे को बचना कैसे है, ताकि लोग